कक्षा आपके दुबा दुबा हो? मेरी नींद भी कितनी अच्छी आती होगी। आज रात आप इस इग्लू में सो जाइए। नन्ही परिया। तो नन्ही परियों को परियां परीलोक में छुपाने की कोशिश कर रही थी। कवच के अंदर हम तो नहीं जा सकते, लेकिन नन्ही परियां बाहर तो आ सकती, हमारी मदद करेंगी। ये मिठाइयों की खुशबू। ले तो आएंगे उनको ये खुशबू बाहर, कि देखकर आपको डर जाएंगे वैसे कि बाहर आने के बजाय कहीं चली ना जाए वापस अंदर। मतलब था मेरे कहने का मतलब। वाह तौबा तौबा वाह, आज पहली बार तुमने अक्कल की बात की है। हूँ मैं कहता हमेशा ही अक्कल की बात, लेकिन आप है कि पहचानती नहीं मुझे। अब नन्ही परियों से मिलेगी नन्ही प्रचंडिका। इनके साथ खेलने के चक्कर में गया फूल मैं। क्या हुआ दुबा दुबा एक? नन्ही परियो, हो गया अब समय पूरा आपके खेलने का। है शुरू होने वाली कुछ ही देर में आपकी जादू सीखने वाली कक्षा। रुकिए आप यही, क्यों चलता मैं यहाँ से। अरे रुको दुबा दुबा एक, अभी मत जाओ, हमें और खेलना है। हमारा दिल नहीं भरा है दुबा दुबा एक, हमें और खेलना है। नन्ही परियो, है दिया मुझे रानी परी ने आप सबको अनुशासन का पाठ पढ़ाने का जिम्मा। और अनुशासित होने का सबसे पहला पाठ है कि होना चाहिए हर काम समय से। इसलिए खेलने का समय पूरा और पढ़ाई का पाठ शुरू है। ठीक ठीक है। रुकिए आप तीनों यही सब, हूँ भेजता मैं अटकाते परी को अभी आपके पास। ठीक है दुबा दुबा एक। खुशबू कहाँ से आ रही है तितली परी? शायद वहाँ से आ रही है। चलिए चलकर देखते हैं कि इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की है। चलिए फूल परी। ये टेलर को भी आज ही जाना था। अरे महेश, महेश तुम्हारी शर्ट यहाँ हॉल में रख रही हूँ। वो टेलर एक हफ्ते के लिए बाहर गया है, इसलिए ऑल्टर होके बड़ी नहीं हो सकती है। मोंटू, ये सही समय है महेश अंकल की हेल्प करने का। मैं इस शर्ट को पहन के पड़ा करता हूँ। अरे कौन कहता है ये शर्ट मुझे फिट नहीं होती। अरे वो तो जरा ठंड में सिकुड़ गई है, बस दूसरा कुछ नहीं है। अंकल हाँ? आप अपने कपड़े कबड़ में रखते हो या फ्रिज में, जो ठंड से सिकुड़ जाते हैं? ये शर्ट तुझे फिट तो होती है, प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि बटन बंद नहीं होते। जिसको जितना हंसना है हंस लीजिए,
मैं दिखाता हूँ। भाई ये शर्ट मुझे हमेशा से अच्छी लगती है और फिट भी होती है, और ये श्रीता, श्रीता ये शर्ट को क्या हुआ? ये शर्ट फट कैसे गई? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे फटी ये शर्ट? पर मुझे कैसे पता चलेगा? मोंटू ये तूने किया ना? सॉरी अंकल, वो मैं आपकी मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने इस शर्ट को पहना और खींचा, ये सोचा वो बड़ी हो जाएगी, पर ये तो फट गई। मोंटू क्या तूने? महेश बच्चा है। मैं बच्चा हूँ? तुम नहीं, मोंटू बच्चा है। मोंटू इतना बड़ा बच्चा? बाबा और वैसे भी ये शर्ट पुरानी हो गई है, जाने दो ना। बापूजी वो मोंटू ने मदद करने का पाठ तो सीख लिया, अब हमें उसे सच्चाई और अच्छाई का दूसरा पाठ पढ़ाना चाहिए, है ना? मोंटू बेटा चल 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 आजा, मेरी फेवरेट शर्ट है ये। वो टेलर के पास से हम सिलवा लेंगे। अरे कहाँ से सिलवाएंगे, हाथ कहाँ से डालूं, कहाँ से निकालूं, कुछ पता ही नहीं, कैसा फाड़ा है ये इसने। पहुंच गई होगी अब तो इन स्वादिष्ट मिठाइयों की खुशबू नन्ही परियों के पास, बस आ जाएंगे वो कुछ ही पल में हमारे पास। यहाँ रहिए आप निश्चिंत। जाओ मिठाइयों की खुशबू नन्ही परियों के पास और ले आओ उन्हें जल्द से जल्द मेरे पास। आ गई ये नन्ही परिया यहाँ प्रचंडिका। आओ आओ नन्ही परियो, पार करो इस लक्ष्मण रेखा को ताकि मैं बालवीर को और परियों को हरा सकूं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो और ये सब क्या है? अरे वाह, एक साथ तीन सवाल। अरे नन्ही परियो, मैं हूँ तुम्हारी छोटी सी दोस्त खेलकूद परी, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेलने कूदने आई हूँ। तुम्हें ये गर्मा गर्म और स्वादिष्ट जलेबियाँ खिलाने आई हूँ। जलेबी? तो नन्ही परियो, पहले हम लोग जलेबियाँ खाएंगे, उसके बाद खेलेंगे कूदेंगे, और वो भी यहाँ परी लोग में नहीं, एक नई जगह यहाँ से भी सुंदर पृथ्वी लोग में। पहले जलेबी, फिर खेलेंगे, और वो भी पृथ्वी लोग में, बहुत मजा आएगा। नन्ही परियां बहुत भोली हैं, उन्हें अभी तक अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क पता नहीं, इसलिए तो कितनी आसानी से अच्छाई की सीमा लांघकर प्रचंडिका की बुराई की तरफ आ गई हैं। अब प्रचंडिका करेगी इनकी मदद से परिलोक का विनाश। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंडिका नाम है मेरा। चलो 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 नन्ही परिया, खानो जल्दी से ये गरमा गरम जलेबियाँ, फिर चलेंगे हम सब पृथ्वी लोक पर खेलने, है ठीक? गया हूँ थक मैं बहुत, बना बना कर ये गर्मा गर्म जलेबी और मिठाई, वो करता मैं तो कुछ साउ।
सावधान परियों, प्रचंडिका की बुराई का अंधेरा छा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से विनाश होगा, क्योंकि एक बार फिर से काली रात का समय आ रहा है। और अलग थी, ये बहुत अद्भुत भी है। नन्ही परियों, अब तुम्हें अपने जादू से इन लोगों को परेशान करना, क्योंकि ये लोग बहुत बुरे हैं। क्या इससे हमें हमारा दूसरा सुनहरा सितारा मिल जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। और है अगर पाना तुम्हें सुनहरा सितारा, तो शुरू कर दो इन सबको सताना अपने जादू से। लेकिन क्या? करो मत तुम चिंता, नहीं देख सकता यहाँ हमें कोई भी। करो करो, है जितना करना तुम्हें परेशान इन सबको करो। लेकिन ये परेशान करना क्या होता है? बहुत भोली हो तुम नन्ही परी हो। मैं दिखाती हूँ कि परेशान कैसे किया जाता है। देखो, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हम भी सबको परेशान करेंगे, तो जाओ परेशान करो। जाओ, जाओ। देखो तौबा तौबा, कैसे नन्ही परियां बुरी परियों का रूप ले रही हैं। इन नन्ही परियों की जादुई शक्ति बहुत ही खतरनाक है, और बुराई और अच्छाई की लड़ाई में जिसका भी साथ देंगी उसकी जीत तो तय। इसलिए मैं इनसे बुरे कार्य करवा रही हूँ, ताकि उन्हें अगले दोनों काले सितारे मिल जाएं, फिर वो हमेशा के लिए मेरी तरह बुरी बन जाए और रानी परी की जान खतरे में आ जाए। प्रचंड विनाश काम है वे, प्रचंड नाम है मेरा। शाबाश मोंटू बेटा, तुम दिल से अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हो, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। तुमने मदद का पाठ तो सीख लिया, अब तुम्हें सीखना है सच्चाई का पाठ, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दादाजी, क्या मैं ये सच्चाई और अच्छाई का पाठ रिकॉर्ड कर सकता हूँ? क्यों नहीं, करो करो।
अब हम सुनेंगे दादाजी से सच्चाई और अच्छाई का पाठ। देखो मोंटू, जिंदगी में कुछ भी हो जाए हमें सिर्फ सच ही बोलना चाहिए। हमारे दोस्तों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, सच चाहे कितना भी कड़वा हो, सामने वालों को कितना भी बुरा लगे, लेकिन हमें हमेशा सच ही बोलना है। समझ गया बेटा? हाँ दादाजी, अब से मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, सच बोलने से हम हल्के हो जाते हैं। बापूजी, मेरे बॉस आने वाले हैं, घर पे आने वाले हैं। ओ भाई, ओ मोंटू, उनके सामने कोई शरारत मत करना। लेकिन आज तो तेरी छुट्टी है ना, तो बॉस घर पे क्यों आ रहा है? पत्थर दिल इंसान है बापूजी, उनको ऐसा लगता नहीं है कि एम्प्लॉइज को भी छुट्टी की जरूरत होती है, लेकिन आ जाते हैं मुंह उठा के उनके घर पे काम देने के लिए। बापूजी इतने आलसी है कि खुद तो कुछ काम करते नहीं है और लोगों को डबल काम करवाते हैं। उनके पास पैसे क्या मांग लो तो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हम तनख्वाह नहीं, उनके पास उधार रुपए मांग रहे हो। इतने कंजूस हैं कि 10-10 साल तक जूते चलाते हैं और वही जूते जब फट जाते हैं ना तो उसका सैंडल बना के पहनते हैं। हल्का हल्का लग रहा है बाबूजी। महेश अंकल, ये एकदम सत्य वचन है ना? अरे एकदम सत्य वचन, जबरदस्त सत्य वचन है। ये सारी बातें उनके सामने नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ बोल के ऐसा हल्का हल्का फील कर रहा हूँ। मोंटू, उनके सामने मत आना। हाँ, और चल एक बार आ भी गया तो चुप रहना। बाबूजी, मुझे आपसे थोड़ा सा काम है, आइए ना। आता हूँ। लगता है टाइम आ गया है अच्छा बच्चा बनने का, दूसरा लेसन हमेशा सच बोलो को करने का। रानी परी, हमने परीलोक का कोना कोना देख लिया लेकिन नन्ही परिया कहीं नहीं मिली। क्या नन्ही परिया अगर परीलोक में नहीं है तो वो गई कहाँ? कहीं प्रचंडिका उन्हें परीलोक से अपने साथ लेकर तो नहीं चली गई? रानी परी, अगर प्रचंडे का नन्नी परियों को लेकर भी गई हो तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नन्नी परिया अच्छी और सच्ची है और उनकी जादुई शक्तियों के सामने प्रचंडिका टिक नहीं पाएगी। इस समय हमें डर प्रचंडिका से नहीं बल्कि नन्नी परियों से। क्या नन्नी परियों से डर? लेकिन कैसे रानी परी? हाँ, वो तो अभी भी नन्नी सी प्यारी सी परियां हैं। रानी परी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। ऐसी क्या बात है नन्ही परियों को लेकर कि आप इतनी डरी हुई है? बालवीर, नन्ही परियां जितनी प्यारी उससे ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक भी है। और इसीलिए हम उन्हें परीलोक में लेकर आए थे, और अगर गलती से वो बुरी परियां बन गई तो वो परीलोक और पूरे पृथ्वी लोक पर कहर ढा सकती है। अगर वो बुरी परियां बनेगी भी तो हम उन्हें अपनी अच्छाई और सच्चाई की शक्तियों से रोक देंगे। नहीं बालवीर, हम में से कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एक बार वो बुरी परियां बन गई फिर हमारा जादू का असर उन पर नहीं चलेगा। हाँ बालवीर, और अपने बुराई के रूप में वो इतनी खतरनाक हो जाती है कि वो कुछ भी कर सकती है। कुछ भी मतलब? मतलब रानी परी का अंत भी। हाँ बालवीर, कई सौ साल पहले एक ऐसी ही नन्ही परी ने रात को रानी परी का अंत कर दिया था, और आज तक परीलोक के इतिहास में बुराई के हाथों से सिर्फ एक ही रानी परी का अंत हुआ है बालवीर, और वो करने वाली एक बुरी नन्ही परी ही थी। हाँ बालवीर, और इसीलिए उस रात को काली रात कहा जाता है। हमें डर है बालवीर कि वो काली रात परीलोक में दोबारा ना जाए, इसीलिए हम चाहते हैं कि नन्ही परियों पर प्रचंडिका का बुरा साया कभी ना पड़े।